नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपको COVID-19 की जागरूकता के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे COVID-19 जो वैक्सीन आई है, उसके प्रति कितनी भ्रांतियां फैल रही हैं लोगों के मन में। लोग मतलब जागरूक नहीं है कोरोना वैक्सीन के प्रति। वो बोलते हैं कि नहीं, कोरोना वैक्सीन हमको नहीं लगवानी है, उससे क्या है, फीवर आ रहा है लोगों को और मतलब बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वोमिटिंग वगैरह होती हैं। तो इस कारण से लोग बोल रहे हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी वैक्सीन लगवा लो कोरोना की, तो मम्मी बोलती हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊँगी, वैक्सीन से तो बीमार हो रहे हैं। मैंने मम्मी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं मानी, मैं मम्मी के घर पर गई, उनको समझाया मम्मी वैक्सीन लगवाओ। वहीं पर हमारे आस पड़ोस की दो चार आंटियां बैठी हुई थी, उनके सामने उन सबको बोला मैंने कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो आंटी बोलती हैं कि वैक्सीन लगवाने से तो लोग मर रहे हैं। ये और भी ज़्यादा भ्रांति है उन सब लोगों के मन में कि वैक्सीन से तो लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपन स्वस्थ हैं, अपना इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है, तो अपन वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और आप जैसे बताना, ये मेरी बहन बताएगी आपको उसके बारे में कि जैसे इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में यदि अगर टोटल पॉपुलेशन पता है आपको कि कितनी ज़्यादा है, अगर उसमें से भी अगर 3% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक, डाटा तो यही बोलता है, और उसमें से भी 3% में से भी अगर 1,000 इंसान बीमार पड़ रहा है, अगर 2-3 की मृत्यु भी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन फेल है। और ये डाटा भी आ चुका है, कई डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर चुके हैं कि जिन लोगों को फिर से कोरोना हुआ है वैक्सीन के बाद भी, ये बहुत कम परसेंटेज है और बहुत मतलब लो लेवल पर है। अपन को इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये कोविड वैक्सीनेशन फेल है, नहीं लगवाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का भ्रम है जो लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया लोग इतना यूज़ करते हैं, बस एक ने बोल दिया तो वो चीज़ें इतनी फैल जाती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी डाउट है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बताएंगे आपको कि आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अभी अपन लोग दूसरों को और भ्रम में डाल देते हैं कि नहीं उसकी मृत्यु हो रही है तो तुम वैक्सीनेशन मत कराओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप आपकी फैमिली के साथ रहते हो, बच्चे रहते हैं घर में, बड़े बूढ़े रहते हैं, तो ऐसे नहीं लगवाओगे तो मान लो अगर कल को लॉकडाउन ओपन भी हो गया तो आप क्या वैक्सीनेशन नहीं कराओगे, तो कोरोना होने के सिम्टम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और ये फैलेगा भी ज़्यादा। वैक्सीन से क्या है, जैसे अब वैक्सीन लगवाने से फीवर आ रहा है, जो नॉर्मल फीवर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई हाई फीवर आ रहा है किसी को, किसी किसी को आ रहा है, किसी किसी को नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पेन भी होता है, हैंड पेन होता है और नॉर्मल पेन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मेरी तो यही सलाह है आप लोगों से। मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, भ्रांतियों से बचें, इन भ्रांतियों से बचें जो फैल रही हैं, जो आजकल इंडिया में जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं। मतलब बहुत लोग हैं शिक्षित हैं, आप लोग भी शिक्षित हो, आप सब समझते हो कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है। कई लोग तो ऐसे हैं गाँव में जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं क्या करेंगे वैक्सीन लगवा के, लगवा रहे हैं जितने, इतनी कम तो वैक्सीन लग रही है। ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार फ़ोन यूज़ करो, अगर नहीं है तुम्हारे पास फ़ोन तो किसी से सजेस्ट करो, किसी से बोलो कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कर दे, कभी ना कभी नाम आएगा। एक वैक्सीन ही तो लगानी है, थोड़ा सा पेन होना है, हज़ारों लोगों की जान बचनी है, इसलिए हम आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। हम खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आप भी करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करवाइए ताकि इंडिया सेफ रहे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों की जान बचे। मैंने भी अपने रिलेटिव्स जितने भी हैं मेरे गांव में रह रहे हैं, उनको फ़ोन कर करके बोला कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन कुछ रिलेटिव्स तो बोलते हैं कि जिसकी मृत्यु आ गई है उसको कोई नहीं रोक सकता, जो मरना है वो मर के ही रहेगा, चाहे वैक्सीन लगवा लें या ना लगवाएं। तो हम तो नहीं लगवाएंगे, अगर भगवान ने हमारी मृत्यु लिख दी है तो हम तो मरेंगे। ऐसा भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तो इन भ्रांतियों से बचें, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इन भ्रांतियों से बचें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।